have a very proud moment because the Pink City has been ruled and been honored by meeting some of the guests from outside. He is a very talented person, and I could rather say talented, a very innovative person, coming up with a very different idea. And his name is Mr. Yashveer Singh. Welcome to the show, sir. Thank you, Shruti. आप अपने बारे में खुद हमें बताइए कि आपने क्या किया है अभी तक एंड व्हाट हैव बीन यू बीन डूइंग फॉर सो फार. So firstly, thanks so much for having me over. I think it's a pleasure to be here with your audience and you. Very quickly, so I grew up in my village. It's called Bangotri. It's very near to Pilani as a city. While growing up, I always dreamt of good quality education, and I think I was fortunate that I could get a chance to study at BITS Pilani. At Pilani specifically, I was the student union president, and in and around Pilani there are a lot of villages, so we started some of these initiatives, और उन initiatives से बहुत से बच्चों को mobilize किया गांवों की कुछ problems को दूर करने में. I think वहाँ से मेरे life का थोड़ा transformation शुरू हुआ, क्योंकि जब आप बड़े होते हैं तो generally you always think of your self interest first. पर मेरा वो जो पिलानी का जो time था उससे मैंने ये सीखा कि there could be a life which is more meaningful and more purposeful. और पिलानी से निकल के मैंने शुरुआत की समथिंग कॉल्ड नेशनल सोशल एंटरप्रेन्योरशिप फोरम, कि हमारे युवा जो लोग हैं उनको कैसे सोशल एंटरप्रेन्योरशिप से अवगत करवाया जाए और उनको कैसे एम्पावर किया जाए ताकि वो अपने खुद के हाथ में पावर ले सकें अपने आसपास की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. अराउंड 5 साल तक मैंने मेरा ऑर्गेनाइजेशन रन किया. फिर आगे की पढ़ाई के लिए मैं ऑक्सफोर्ड चला गया, जहाँ से मैंने मेरा MBA किया. ऑक्सफोर्ड में अगेन मैं वहाँ का जो सोशल इम्पैक्ट क्लब था उसको मैंने लीड किया. वाइस चांसलर के सोशल इम्पैक्ट अवार्ड से मैं नवाजा गया. एंड देन आई केम बैक टू इंडिया विद द सेम थिंकिंग कि बहुत से लोग हैं जो कि विदेश में पढ़ाई करने जाते हैं और फिर वहीं पे सेटल हो जाते हैं. पर मेरा सपना ये था कि मैं वहाँ से जो सीख के आया हूँ, जो नॉलेज, दो स्किल्स, वो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए उनको यूज़ में ला सकूँ और कहीं ना कहीं कुछ अगेन कॉन्ट्रीब्यूट कर सकूँ ताकि देश आगे बढ़ सके. ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएट करके मेरे सारे, और दिस इज़ ए फनी इंसिडेंट, मेरे बहुत से लोग कोई सैन फ्रांसिस्को में, कोई दुबई में, यहाँ पे जॉब्स करने जा रहे थे और मैंने एक्सेप्ट कर लिया था एक बड़े NGO ग्राम विकास के साथ जो कि उड़ीसा के ट्राइबल विलेजेस में काम करता है. तो मैंने उनके साथ अपॉर्चुनिटी वो कर लिया और मैं उनकी स्ट्रेटजी बनाने के लिए उनको ज्वाइन किया. कुछ टाइम के बाद में मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि कहीं ना कहीं वो जो यूथ के साथ में जो काम कर रहा था उसको मेरे को आगे बढ़ाना है. And that's how I got associated with this organization called Ashoka. Okay. And I'm currently leading their youth program in South Asia. और हम लोग generally teenagers जो किशोर हैं उनके साथ काम करते हैं. एक तो वो किशोर जो कि already अपने कुछ initiatives, project शुरू कर चुके हैं, but हम वहीं नहीं रुकते. हमारा aim ये है कि society के जो अलग अलग stakeholders हैं, whether it's schools, colleges, parents, how do we change their mindset so that they can inspire their children to become change makers. तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप और बच्चों में चेंज मेकर स्किल्स बिल्ड करने का मेरा काम अभी मैं कर रहा हूँ.